युक्ति है। दुर्योधन बोला कौन सी युक्ति? तो उसी समय शकुनी बोला है कि ऐसा करो कि तुम काम तरीका से पांचों पांडवों को द्रौपदी से हस्तिनापुर में बुला लो और वहां करके जुआ का खेल खेलवा दो और जुए के खेल में उनसे सब कुछ हार उनसे सब कुछ जीत लेना और जब वो हार जाए तो अंत में द्रौपदी को भी तुम जीत लेना और तुम अपने अपमान का बदला ले लेना। इससे अच्छा तरीका तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। मामा शकुनी ने महाराज आग लगा दी। आग लगाने के बाद में दादा आज दुर्योधन ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, अपने महल में आया, कक्ष में आया, आकर के धर्मराज युधिष्ठिर के लिए पत्र लिख दिया और पत्र में लिख दिया कि हे भैया युधिष्ठिर आप लोगों की हमें बहुत ही याद आ रही है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हस्तिनापुर में भाभी सहित आ जाओ। पत्र लिख करके दुर्योधन ने मंत्री द्वारा पहुंचा दिया है महाराज इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन युधिष्ठिर के पास में। और जब युधिष्ठिर ने वो पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था कि दुर्योधन को पांडवों की याद आ रही है तो उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने विलंब नहीं किया, महाराज पांचों भाई आज चले द्रौपदी से हस्तिनापुर में पहुंचे। जब हस्तिनापुर में पहुंचे तो द्रौपदी को पांडवों ने दुर्योधन की पत्नी थी जिसका नाम था भानुमती, तो भानुमती के पास में द्रौपदी को छोड़ दिया। अब पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास पहुंचे और पहुंच करके आज ध्यान रखना प्रणाम किया है पितामह भीष्म को पांडवों ने तो भीष्म समझ गए कि आज दुर्योधन ने कपट का जाल बिछा करके पांचों पांडवों को बुलाया है। तो पितामह भीष्म ने पांडवों से कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर तक नहीं आना चाहिए था। अब धर्मराज युधिष्ठिर बोले बाबा क्यों नहीं आना चाहिए था? तो पितामह भीष्म कहने लगे कि तुम्हें नहीं पता है बेटा यहाँ दुर्योधन ने तुम्हें प्रेम के जाल में नहीं बल्कि कपट के जाल में तुम्हें फंसाया है, तुम फंस जाओगे यहाँ से लौटना। उसी समय ध्यान रखना धर्मराज युधिष्ठिर ने बाबा भीष्म से कितनी सुंदर बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा बुजुर्गों कि बाबा अगर आप हमसे ये बात कह रहे हो कि दुर्योधन ने कपट का जाल बिछा करके हमें यहाँ तक बुलाया तो बाबा हमारा भाई हमारे साथ क्या करेगा ये उसका कर्म है, लेकिन हम दूसरों के साथ में क्या करते हैं ये हमारा कर्म है। कहने का अभिप्राय अगर आप दूसरों के साथ बुरा करोगे तो आपका बुरा करने के लिए भगवान बैठा है और अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो भगवान आपके साथ हजार बार अच्छा करेंगे। अगर कोई पापी व्यक्ति है और आप अच्छे हो और वो पापी व्यक्ति आपको गाली दे, ध्यान रखना बड़े ध्यान से सुनना, जो मूर्ख होते हैं जो पापी दुष्ट होते हैं उनका स्वभाव तो ऐसा होता है कि दूसरों की बुराई करना, दूसरों का बुरा चाहना, गाली बकना, गलत शब्द बोलना, उनका तो ये कर्म है। अब उन्हें कितना भी तुम समझा क्या वो मान जाएंगे? पागल व्यक्ति जो होता है मूर्ख भाई तुम दिन में समझे ही रात में समझे ही सब जिंदगी समझे ही बातें समझना ही यही है। और जो समझदार होगा उसे कितनी भी बुराइयां सिखाना लेकिन वो नहीं सीखेगा। इसीलिए कहा जाता है जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। दूसरों को मार करके अपना धर्म मत खराब कीजिए, आप अपने कर्म पर डटे रहिए कि हमसे किसी का बुरा ना हो जाए। बाबा भीष्म ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने बाबा चिंता ना करो, अगर मेरे भैया दुर्योधन मेरे साथ बुरा करना चाहता है तो वो जाने उसका कर्म जाने, लेकिन मैं अपने शरीर से कभी भी अपने भाई का बुरा नहीं चाहूंगा और ना कभी अपने भाई का बुरा करूंगा। फिर भाई ने भी बुलाया हम जरूर जाएंगे। पितामह भीष्म ने बहुत समझाया पांडव नहीं माने। आज पांचों पांडव चल करके दुर्योधन की सभा में पहुंचे और जो सभा में पहुंचे तो उसी समय पहले तो दुर्योधन ने बड़ा सम्मान किया पांडवों का। करने के बाद में जब धर्मराज ने पूछा दुर्योधन से भैया तुमने हमें क्यों बुलाया तो उसी समय आज दुर्योधन धर्मराज से कहने लगा भैया इसलिए बुलाया कि बहुत दिन हो गए हमारे और तुम्हारे बीच जुआ का खेल नहीं हुआ, चलो जुआ का खेल खेल जाए।
तरंगबाजी दृष्टि में बिल्कुल गिर जा। अगर तुम चाहते हो तो खिलवाड़ जीवन का खेल, उसी समय खेल के सारी तैयारियां हुई। आज ध्यान रखना, आज कौरवों की तरफ मामा शकुनी हो गई और पांडव एक तरफ हो गए, हमारा जुआ का खेल प्रारंभ हुआ। मामा शकुनी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज पहले दाव में तुम क्या लगाओगे? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दाव में अपने मैल दुमैला धन दौलत लगा दी, और जब लगाई तो ऐसा ही नहीं भैया, चले जाओ और जा करके केस पकड़ कर
पास में बैठी हुई थी। उस आश्रम को जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी बोली, कहिए देवर जी कैसे आना हुआ? तू सासर ने जवाब दिया, मेरे साथ चलो सभा में, तुम्हें पांडवों ने बुलाया। द्रौपदी बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पांचों पांडव हमें सभा बीच में बुलाए, क्योंकि ध्यान रखना पहले की बहुएं ऐसी थी कि जिनका अधिकार नहीं था कि बहू कभी भी अपने ससुर के सामने पहुंच जाए। पहले की बहुएं अपने ससुर के सामने नहीं जाती, ये बुजुर्ग माताओं को पता होगा। आजकल की घर नहीं बहुएं जाने का है, आजकल के फैशन की मारी नहीं बहुएं नहीं जाने। पहले की बुजुर्ग माताओं को ये बात पता होगी कि पहले की बहुएं अपने ससुर के सामने जाती नहीं थी। अगर आज की दुनिया की बात करी जाए तो आज पता ही नहीं कि तो ससुर को बहू, आजकल तो पता ही नहीं चलत रे को ससुर को बहू। आजकल लड़का बोलना है पर सबसे पहले बहू ससुर से बोलना है। एडो कर चुप बैठे रही हो ना, आई कछु ना कही हो है। हां अब भाई मॉडर्न जमाना है, किससे क्या कहे, अब हमारे कहने से थोड़ी ना कोई सही हो जाएगा है ना। मैं बोल रहा हूं कि अरे बात सही लग गई है। द्रौपदी समझ गई कि आज कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत होने वाला है। द्रौपदी ने दुशासन से कहा, लौट जाओ। दुशासन बोला, नहीं लौटेंगे मेरे साथ चलो। द्रौपदी बोली, नहीं जाएंगे। उसी समय आज दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए, खींचने लगा दुशासन, खींचते खींचते मैया को ले जाने लगा और बाबा जी ले जा करके आज रास्ते में घसीट कर ले जा रहा है। ध्यान रखना उस द्रौपदी के रूप को देख करके देवता भी मोहित होते थे, लेकिन आज वही द्रौपदी हस्तिनापुर की गलियों में खींची जा रही है। मैया की आपकी चूड़ी टूट गई, ऐसी दुर्दशा कर दी है दुष्ट दुशासन ने। द्रौपदी कह रही है दुशासन छोड़ दे, लेकिन महाराज दुशासन छोड़ नहीं रहा। आज केस पकड़ करके दुशासन खींच करके सभा बीच में ले गया द्रौपदी को, बीच सभा में खड़ा कर दिया। जब सभा में खड़ा कर दिया तो अब महाराज द्रौपदी लज्जा की वजह से मरी जा रही है। पांचों पांडव गर्दन नीचे झुकाए बैठे हैं। द्रौपदी सबसे पहले अपने पांच पतियों के पास पहुंची, पहुंच करके जवाब दिया, क्यों तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तो तुमने अपने खेल के कारण मुझे दाव पर लगा दिया। अरे तुम्हें नहीं पता अगर आज यहां मेरी लाज चली गई तो इस सारे कुल खानदान की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ध्यान रखना घर की इज्जत तो घर की मर्यादा एक बहू के हाथ में होती है, घर की लड़की के हाथ में होती है। ध्यान रखना घर की इज्जत तो घर की मर्यादा किसके हाथ होती है, लड़की और बहू के हाथ। और अगर लड़की और बहू ने अपनी मर्यादा उल्लंघन कर दी तो उस कुल खानदान की इज्जत नहीं रहती है। ध्यान रखना इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन में सब कुछ चला जाए, कभी दुख मत करना, लेकिन कभी भी चरित्र नहीं जाना चाहिए और कभी भी आपके गुण नहीं जाना चाहिए। ना बताओ आज की दुनिया में ऐसे बहुत सी कौमें जो अपने पतियों को मरवा करके दूसरों के साथ चली जाती है। प्रमाण आपको ताकत दे, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने माता पिता की नाक कटवा करके दूसरों के साथ चली जाते हैं। बताओ उनके कुल में जो दाग लगा है कभी छुटवाया, कभी छुटवाया होगा भैया? छुटा कभी नहीं छुटा। सही बात है, जिस समय अगर चरित्र पर दाग लग जाए तो उसे कोई छुटाने वाला नहीं होता है। इसीलिए मेरी बात ध्यान रखना, जीवन में पैसा चला जाए दोबारा कमाया जा सकता है बुजुर्गों, घर मकान टूट भी गिर जाए दोबारा बनाया जा सकता है, अगर एक बार चरित्र चला जाए ना बनाया जा सकता ना कमाया जा सकता। कोई कमा सकता है चरित्र को, गुणों को कोई खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। इसीलिए मर्यादित बनो, मर्यादाओं का कभी उल्लंघन मत करो, हमेशा चरित्रवान बनो। द्रौपदी अपने मां का
जी ने द्रौपदी की मदद नहीं की। पितामह भीष्म के पास पहुंची, द्रौपदी कहने लगी, बाबा अरे जिसका ससुर इतना बलधारी वीर योद्धा हो उसके सामने उसकी बहू की लाज चली जाए तो बताओ तुम्हारा ये बल ये साहस किस काम का, किसी काम का नहीं, आज हमारी लाज बचा लो। पितामह भीष्म ने भी द्रौपदी की लाज नहीं बचाई। उसी समय महाराज जब पूरी समाज के लोगों ने गर्दन नीचे झुका ली तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन देर ना करो इस द्रौपदी को मिलन करके मेरी जंगा में बैठाना, क्योंकि एक समय वो था जब द्रौपदी ने हमसे कहा था कि अंधे बाप के अंधी वाला को पैदा हो, हम अपने अपमान का बदला लेंगे, इसे मेरी जंगा पे बैठा लो नगिन करके। उसी समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, जो द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा उसी समय महाराज द्रौपदी सबसे मदद मांग रही और सबसे मदद मांग रही, जब कोई द्रौपदी की मदद नहीं कर रहा तो द्रौपदी समझ गई कि आज हमारी संसार में लाज रचाने वाला कोई नहीं है। और दुनिया के लोग, सही बात है, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है ना तो कोई भी दुनिया के लोग आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते, जब आपके ऊपर सुख होंगे तो सभी लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर दुख होंगे तो कोई भी अच्छे अच्छे भी साथ छोड़ करके चले जाएंगे। द्रौपदी ने जब देखा कि कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है तो उसी समय आज द्रौपदी का मन पहुंचा है भगवान श्री कृष्ण के पास। इधर भगवान के पास में रुक्मिणी जो हुई भोजन की थाली लेकर के खड़ी है, अब वो भगवान के सामने थाली रख दी रुक्मिणी ने, रुक्मिणी भगवान से कहा, प्रभु भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो भगवान का रहिया ने कहा, रुक्मिणी भोजन हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम सोच रहे कि मेरी बहन की आज लाज जाए रही, मेरी बहन द्रौपदी की आज लाज जा रही है, लेकिन मेरी बहन हमें बुलाए नहीं रही है, अभी तो दुनिया के लोगों से मदद मांग रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी बहन हमें बुलाए और हम कब अपनी बहन की लाज बचाने के लिए जाएं। अगर हम भोजन करने लगे तो अगर मेरी बहन ने हमें बुलाओ हम न पहुंच पाए तो मेरा नाम झूठो पड़ जाए, इसीलिए हम भोजन नहीं करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि देखे मेरी बहन हमें कब बुला रही। श्री समय द्रौपदी की का मन पहुंचा भगवान कृष्ण के पास में और हाथ खड़े करके जवाब दिया, कन्हैया अब मेरी लाज तुम्हारे ही हाथों, एक बात कही सुनो कन्हैया,
नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा भी लेट हो गया, थोड़ा सा भी अगर हम विलंब हो गया हमें, तो आज मेरी बहनी की इज्जत चली जाएगी। याद रखना, गरुड़ की रफ्तार मन से भी तेज बताई गई है। मन जो होता है